तो गाइस मेरे पास iPhone 12 और इस फोन को गाइस मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। और भाई आज टाइम आ चुका है इस फोन का फुल रिव्यू करने का। आज की इस वीडियो के अंदर भाई iPhone 12 का A to Z रिव्यू करने वाला हूँ कि 2021 के अंदर जे किस तरह का डिवाइस है, जे वैल्यू फॉर मनी है जानी, अगर इस डिवाइस को गाइस आप लेने की सोच रहे हैं। पूरा इसमें जो खुद मैंने अपनी मनी से भाई बाय किया, कोई कंपनी ने मुझे नहीं भेजा, जो इस फोन के अंदर भाई कमियां की भी बात करूंगा, नेगेटिव बातें जो पॉजिटिव बातें उसकी भी बात करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, अगर जानना तो भाई वीडियो को शुरू से लगे अंत तक देखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ भाई इस फोन के डिजाइन के बारे में। अगर इस फोन के डिजाइन की बात करूं, मेरे पास जो गाइस वेरिएंट, मेरे पास ब्लैक कलर गाइस, मैं ब्लैक कलर को यूज कर रहा हूं। अगर पर्सनली भाई मैं आपको बताऊं तो ब्लैक कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इतना शाइन करता नहीं नजर आया। व्हाइट कलर इसमें लोगे तो व्हाइट कलर की लुक थोड़ा सा मुझे बेटर लगी ब्लैक कलर से। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी पसंद हो सकती है, कई लोगों को मेरी तरह ब्लैक अच्छा नहीं लग सकता, कई लोगों को हो सकता है व्हाइट अच्छा ना लगे। अगर डिजाइन की बात करें तो इस बार एप्पल ने भाई डिफरेंट डिजाइन दिया है, आईफोन 11 सीरीज से कुछ हटके डिजाइन दिया है, ठीक है। इस बार एप्पल ने यूज किया बैक की तरफ सिरेमिक शील्ड का यूज किया है। एप्पल का दावा है कि 2-3 फीट से भी अगर आपका फोन गिर जाता है तो इस फोन को कुछ होने वाला नहीं है, जल्दी क्रैक होने वाला नहीं है। बट भाई ऐसी गलती कभी भी मत करना जेनी कि भाई 2-3 फीट से फोन को गिरा के देखो और फोन को कुछ होता है या नहीं। एप्पल इसकी पूरी भाई फुल गारंटी नहीं लेता, तो इस बात का ध्यान रख लेना। डिजाइन के मामले में कोई दिक्कत नहीं आई, काफी यार स्लिम फोन है, ठीक ठाक स्लिम फोन है, मतलब ज्यादा भी स्लिम नहीं, ठीक ठाक स्लिम फोन आपको मिल जाता है। फोन का वेट काफी गाइस एप्पल ने कम करने की कोशिश की है, डिजाइन के मामले में कोई शिकायत नहीं है, 1 हैंडी सा फोन है, कोई दिक्कत भाई आपको नहीं आएगी, जेनी की एप्पल 4-5 की तरफ भारी डिजाइन नहीं। तो गाइस काफी ठीक ठाक इस फोन का वेट है। डिजाइन को भाई मैं देना चाहूंगा 10 में से 9.5 नंबर। तो नेक्स्ट भाई बात करता हूँ इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करूं, इसके अंदर भाई आपको 6.1 इंच की एक सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले दी है। तो इस फोन की डिस्प्ले का काफी ठीक ठाक यार, कई लोग फोन में क्या होता है कि आपने देखी होगी 6.5 इंच की, 6.7 इंच की डिस्प्ले होती है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है, बट इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले का साइज है काफी ठीक है। आपको 1 हैंडी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि एक हाथ से भी अगर आप फोन को यूज करोगे आराम से, डिस्प्ले ना ही ज्यादा बड़ी है ना ही छोटी है, ठीक ठाक भाई डिस्प्ले। तो इस बार डिस्प्ले में गाइस कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है कि सुपर रेटिना डिस्प्ले दी है, फुल HD डिस्प्ले। भाई मुझे पर्सनली इस बार इस एप्पल आईफोन 12 की काफी अच्छी लगी, आईफोन 11 हुआ, 11 प्रो हुआ, थोड़ा सा बेटर लगी मुझे उन डिवाइस से आईफोन 12 की डिस्प्ले। डिस्प्ले को चाहे गाइस आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखो, चाहे ब्राइटनेस की बात करूं, कोई प्रॉब्लम भाई इसकी डिस्प्ले के अंदर नहीं आएगी। डिस्प्ले को भाई मैं जहां पे देना चाहूंगा 10 में से 9.5 नंबर। नेक्स्ट भाई बात करता हूं इस फोन के कैमरा के बारे में। अगर इस फोन के कैमरा की बात करूं, बैक की तरफ भाई इस बार आपको ट्रिपल कैमरा नहीं मिलता। हां जी गाइस, आईफोन 11 की तरह इसमें भी गाइस आपको बैक की तरफ डुअल कैमरा दिया गया, जो मेन कैमरा भाई 12 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का गाइस सेकेंडरी कैमरा दिया गया। कैमरा क्वालिटी की बात करूं गाइस, मैं सीरियसली बता रहा हूं, कोई कंपनी ने मुझे जो स्मार्टफोन नहीं भेजा, खुद अपनी इनकम से भाई मैंने बाय किया था। कैमरा में अगर आप पिक्चर वगैरह लोगे पोर्ट्रेट में या नॉर्मल में, आपको भाई ये नहीं लगेगा कि जो 80,000 का स्मार्टफोन, महंगा स्मार्टफोन आपने हाथ में पकड़ा। पिक्चर क्वालिटी में यार क्लियरली बता रहा हूं कि इस फोन की मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी जितना कि इसका फोन का प्राइस है। प्राइस के हिसाब से भाई कैमरा जबरदस्त होना चाहिए था, बट इसको भाई टक्कर दे रहा था रेडमी का K20 प्रो। सीरियसली भाई मैं बता रहा हूं, पोर्ट्रेट के अंदर रेडमी का K20 प्रो का जो पिक्चर आप लोगे ना, उससे भाई लग रहा था कि उसकी पिक्चर बेटर है, बट पिक्चर की डिटेल के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि चाहे लैपटॉप में फोटो को शेयर करके ध्यान से देखोगे जूम करके, बट यार उस लेवल की पिक्चर क्लिक नहीं करता जिस लेवल का इसका प्राइस है। कई लोग बोलते हैं ना आईफोन ही होता है, उस लेवल का भाई मुझे नहीं लगा। एडिट वगैरह करना जानते हो तो फिर तो भाई फोटो को प्रोफेशनल लेवल की क्लिक कर सकते हो। तो गाइस फोटो को मैं जे गंदी भी नहीं बोल रहा, बट उन लोगों को बोल रहा हूं जो गाइस हवा उड़ा के रखी है ना, जिन लोगों ने आईफोन होता है, उस लेवल का भाई मुझे नहीं लगा जितना इसका प्राइस है। ठीक ठाक कैमरा लगा, कैमरा बुरा भी नहीं है भाई, ठीक ठाक है, नेचुरल पिक्चर को क्लिक करता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं, फ्रंट कैमरा में भाई वही सेम दिक्कत है, अगर आप फेस पे थोड़ा सा पिंपल वगैरह हुए कैमरे के अंदर, उसके फ्रंट कैमरा से पिक्चर क्लिक करोगे ऐसा लगेगा कि पूरा फेस आपका पिंपल से बड़ा है, बिल्कुल नेचुरल पिक्चर को क्लिक करता। आपको गाइस कोई ब्यूटी प्लस वगैरह का यूज करना पड़ेगा अगर आपका कलर थोड़ा सा काला है। ये दिक्कत है इसके कैमरे में, दिक्कत तो भाई नहीं कहूंगा हमारे अंदर ही ये दिक्कत है, ठीक है, बट ठीक ठाक है कैमरा अगर आप पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं, पर्सनली भाई फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे बेस्ट लगी जितने भी स्मार्टफोन मैंने यूज किए, चाहे स्टेबलाइजेशन की बात करूं, चाहे डायनेमिक रेंज की बात करूं, वीडियो क्वालिटी की बात करूं, भाई इसमें 4K 60fps तक मैक्सिमम आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी इस फोन की मुझे पर्सनली भाई काफी बेस्ट लगी, डायनेमिक रेंज हुई, चाहे वीडियो क्वालिटी हुई। अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं, फ्रंट कैमरा में भाई काफी तगड़ी वीडियो शूट कर सकते हैं, 240fps का ऑप्शन भाई फ्रंट कैमरा में दिया, बट फ्रंट कैमरा में एक दिक्कत है कि जब आप वीडियो को शूट करोगे वीडियो को थोड़ा सा भाई क्रॉप कर देता, इसलिए बैक कैमरा से वीडियो शूट करना बेस्ट वीडियो निकाल के देगा। वीडियो के मामले में कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूरा एक्सीलेंट लगा, बट पिक्चर के मामले में जैसा मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा एवरेज ही लगा। कैमरा को भाई मैं वीडियो क्वालिटी के मामले में देना चाहूंगा 10 में से 9.5 नंबर। नेक्स्ट भाई बात करता हूं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। अगर इस फोन की प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें इस बार भाई एप्पल ने लेटेस्ट प्रोसेसर यूज किया, एप्पल बायोनिक A14 जो कि बेस है भाई 7 nm पे बेस।
है। प्रोसेसर को गाइस मल्टी टास्किंग की बात करूं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड की बात करूं, डेली यूजेस की बात करूं, गेमिंग की बात करूं, कोई प्रॉब्लम भाई पबजी भी मैंने इसमें दबा के खेली, कोई प्रॉब्लम मुझे गेमिंग करते नहीं आई, चाहे फोन को इंस्टाग्राम यूज करो नॉर्मल यूज करो। प्रोसेसर इसका इस बार भाई काफी मतलब अपग्रेड किया है एप्पल ने, प्रोसेसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, रैम मैनेजमेंट भी इस फोन का काफी बेस्ट है, गेमिंग करो चाहे जो मर्जी करो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड डेली टास्क यूज करो, कोई प्रॉब्लम यार इस फोन के प्रोसेसर में मुझे नहीं लगी। हैंग भी लैग भी फोन अभी तक गाइस नहीं होता हुआ मुझे दिखा, प्रोसेसर मुझे इस फोन का भाई बेस्ट लगा। प्रोसेसर को भाई मैं देना चाहूंगा 10 में से 10 नंबर आज के टाइम पे। नेक्स्ट भाई बात करता हूं इस फोन की बैटरी के बारे में, अगर इस फोन की बैटरी की बात करूं इसमें आपको मिल जाती है भाई 2815 एमएच की बैटरी मिल जाती है। बैटरी से थोड़ा सा भाई मैं निराश हूं यार, 3000 एमएच की अराउंड बैटरी है 2800 एमएच की, और साथ ही में गाइस जो एप्पल सपोर्ट करता है 20 वोल्ट का चार्ज सपोर्ट करता है। इस बार बॉक्स में भी यार चार्ज एप्पल ने निकाल दिया है, बॉक्स के अंदर भी चार्ज भाई अलग से लेना पड़ेगा, 1000-2000 रुपए का ओरिजिनल भाई इसका चार्ज ही आएगा। तो बैटरी को लेकर थोड़ा सा भाई अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, पबजी दबा के खेलते हो, फोन को यूज करते हो, तो दिन में भाई 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल फोन को यूज करते हो, चैटिंग वगैरह कर ली, 1-2 घंटा यूट्यूब पे गई, वीडियो वगैरह देख ली, मूवी वगैरह देख ली, एक दिन आराम से भाई बैटरी निकाल देगी। बट फोन को दबा के मेरी तरह यूज करते हो ना भाई 5-6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलेगा। बैटरी दोस्तों अपग्रेड होनी चाहिए थी यार, 80,000 इस फोन का प्राइस है, 80,000 के हिसाब से आज के टाइम पे आपको पता है एंड्रॉइड मॉल में 4-4, 5-5, 11 एमएच की बैटरी यार आराम से एक दिन निकाल देती है। बैटरी से थोड़ा सा भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। तो ये था आईफोन एप्पल 12 का फुल रिव्यू। अगर मैं लास्ट में बताऊं क्या क्या इसमें आपको लेना चाहिए या नहीं, एक मैंने बता दिया, कैमरा के लिए लेना चाहते हैं भाई ले लो, बट पिक्चर जो नेचुरल क्लिक करोगे ना नॉर्मल से नेचुरली ठीक ठाक ही आएगी। अगर आप फोटो को एडिट करना जानते हैं एप्पल में एडिट करोगे अलग लेवल की पिक्चर जो निकाल के देगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए ले लो भाई बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में। गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, निराशा भाई वही है कि इसमें 64GB मत लेना, 64GB भाई जल्दी इनफ हो जाएगा। इसमें डुअल सिम का इस बार गाइस एप्पल ने मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया, डुअल सिम इसके अंदर भाई यूज कर सकते हैं, एक फुल सिम है एक नैनो ई सिम यूज कर सकते हैं। तो गाइस 64GB जेई के एसडी कार्ड तो आईफोन के अंदर आपको पता है कि घुसता नहीं है, एसडी कार्ड भाई नहीं डलेगा, 64GB जल्दी फुल हो जाएगी। अगर आप मेरे जैसा वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब पे करते हैं तो मेरे से तो 128GB भी मेरे लिए भाई कम है, आप हो सके तो 128GB कम से कम लेना ही। तो जो दिक्कत मुझे भाई देखने को मिली इस फोन के अंदर वही है कि एक तो बैटरी है थोड़ा सा अगर और एप्पल बढ़ा देता काफी मजा आ जाता, कैमरे को थोड़ा सा और अपग्रेड कर देता अभी तो हो सकता है कि अभी अपडेट वगैरह देके कैमरा अपग्रेड हो जाए। तो ये था इसका क्लियर रिव्यू, जो इसकी अच्छी बातें वही मैंने बता दी, प्रोज और कॉन्स दोनों बता दिए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि लेना चाहिए या नहीं। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा गाइस ये वीडियो आपको अच्छी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर देना, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।